afternoon, all of you. Today we will start exercise 4C, question number 11. Good afternoon, students. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 11. 10 तक हमने कर लिया था. 10 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? 10 तक एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी को कोई डाउट है? यस स्टूडेंट. फिर आगे करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करेंगे. 11 और 12 के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे 4D. उससे पहले मैं उसकी प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए. 11 पॉइंट ए इज ऑन ए माउंटेन विच इज 5700 मीटर अबव सी लेवल. अ पॉइंट, एक पॉइंट है, आपको डायग्राम बना रखा है इस टाइप से. सी लेवल है, सी लेवल से इतना ऊपर ए पॉइंट है, ठीक है, और इतना नीचे बी पॉइंट है, ठीक है. ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है सी लेवल से, ठीक है. इज इन ए माइन विच इज 39,600 मीटर बिलो सी लेवल. मतलब सी लेवल से 5,700 मीटर तो अबव है सी लेवल से, और 39,600 सी लेवल से बिलो है, ठीक है. फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए और बी, ए और बी के बीच में आपको वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है. क्लियर स्टूडेंट्स? मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से? ठीक है. बोर्ड क्यों क्लियर नहीं है? कौन है ये? मनीष नाथावत. बोर्ड इज नॉट क्लियर. आप नेट चेक करो, अपना नेटवर्क चेक करिए, क्लियर हो जाएगा बोर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नेट को एक बार ऑफ करो फिर ऑन करो, सही हो जाएगा, ठीक है. अब हम इसको करते हैं. हाइट अबव द पॉइंट ए फ्रॉम सी लेवल, क्या लिखेंगे इसका स्टेटमेंट? क्वेश्चन समझ में आ गया? पॉइंट ए सी लेवल से ए पॉइंट पे है, अबव सी लेवल से अबव ए पॉइंट है और बिलो बी पॉइंट है. क्वेश्चन समझ में आ
अबाउट पॉइंट ए फ्रॉम सी लेवल, फ्रॉम सी लेवल. तो कितना है आपका 5700 मीटर. ठीक है, हाइट अबाउट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सी लेवल. ठीक है, फिर है हाइट बिलो बिलो ऑफ पॉइंट पॉइंट बी फ्रॉम सी लेवल, वो कितना है 39,600. ठीक है, तो आपको निकालना है इसके, आपको बताना है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस ए एंड बी. तो वर्टिकल डिस्टेंस ए और बी के बीच में क्या होगा 5700 माइनस माइनस 39600. इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया प्लस 39,600. इन दोनों को प्लस कर लीजिए क्या आएगा 0013 वन बचा 515 और इतने मीटर आगे. क्लियर, समझ में आ गया? यस स्टूडेंट, आपको वर्टिकल डिस्टेंस ए और बी के बीच में समझ में आ गया? थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा पुअर कनेक्शन है पर ढंग से नहीं आ रहा है मेरे यहाँ, प्रॉपर नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको लगेगी. कोई बात नहीं, मैं इसको जो मैं आपको बोर्ड पे समझा रही हूँ वो भी कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी.
ठीक हो। यस स्टूडेंट, अब दिखाई दे रहा है? आप बताइए, क्लियर दिख रहा है? आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ा है, 11 मैंने बता दिया। आप जल्दी से प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑन इंटीजर पे टिक करते जाइए। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टाइम बहुत वेस्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से आप लोग प्रॉपर्टी समझ लो। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पेज नंबर 71 निकालिए। पेज नंबर 71 क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, मैं एक समझाती जा रही हूँ, आप अंडरलाइन करते जाना, ये कॉपी में लिखनी है आपको। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, फर्स्ट है, सपोज करो ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए और बी दो इंटीजर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इंटीजर। ठीक है, सपोज करो 2 × 6, 2 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया। तो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, कोई दो इंटीजर से ए और बी उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इंटीजर आएगा। क्लियर, कोई भी एक एग्जांपल लिख देना आप। सेकंड है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, फॉर एनी टू इंटीजर। सेकंड है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, any two integers a and b, we have a into b is equal to b into a, always equal। ठीक है, ये आपका first है, first property है, ये second property है। suppose करो a is equal to 1 है, b is equal to 2 है, तो 1 into 2 करो या 2 into 1 करें, always same, result is always same। ठीक है, तो ये है second है commutative law। थर्ड है आपकी एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, थर्ड लॉ निकालिए, पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 थर्ड लॉ, समझ में आ गया? ठीक है, आज थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक कर लिए अब, है ना। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। एंड associative law, इसमें तीन integer है, if a b and a b and c are any three integers, तो आपको कैसे लिखना है, a into b into c is equal to a into b into c। ठीक है, value put करके बता देती हूँ, इसका result और इसका result हमेशा equal होगा। suppose करो a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3, तो आप इसको put करके देख लेंगे, 1 × 2 × 3, ठीक है, तो इसको करेंगे हम, तो 2 × 1 = 2 और ये 3, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क, और ये 6 = 6। ठीक है, इस टाइप से आप कोई भी एग्जांपल अपनी मर्जी से बना सकते हो, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उनका रिजल्ट हमेशा सेम होगा, दोनों इक्वल होंगे हमेशा। थर्ड है कोई भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, इसमें से भी देख के लिख सकते हो, नहीं अपनी मर्जी से भी आप लिख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या होता है फोर्थ नंबर, a into b plus c is equal to a into b plus b into c, sorry a into c, a into b or b a into c, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी कोई आप एग्जांपल लिख सकते हो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। इफ a b and c एनी थ्री इंटीजर्स, अगर तीन इंटीजर है तो उनका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होगा। आप यहां करना, ठीक है, अब इसमें भी कोई वैल्यू पुट करके मैं आपको बता सकती हूँ, a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लेके आप पुट कर लीजिए। a की वैल्यू है 1 और ये क्या है 2 plus 3, यहाँ पर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 2 और 1 into 3, ठीक है। पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स पहले प्लस करेंगे, 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 1 2 और ये 3, तो 5 = 5 हमेशा सेम आएगा, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को आप पहले सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑड मार्क्स, क्लियर, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ लिख लीजिए, फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव ए इनटू 1, 1 से किसी भी इंटीजर को, फिफ्थ है ए इनटू 1 इज इक्वल टू, सपोज करो ए इज इक्वल टू 2 है, 2 इनटू 1 इज इक्वल टू 2, मतलब किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही इंटीजर वापस आ जाता है, क्लियर। उसके बाद में है सिक्स्थ है, फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव 0, ठीक है, अब किसी भी इंटीजर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, सपोज करो a इज इक्वल टू 2 है तो 2 * 0 इज इक्वल टू 0, क्लियर। इसको आपको पढ़ना भी है, लिखना भी है और समझना भी है। इस टाइप से आपके पास 6 प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन की इंटीजर में। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ, इतना समझ में आ गया आपको? यस स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया आपको? ये 6 प्रॉपर्टी है इसकी, 6 प्रॉपर्टी है। इनको आपको लिखना है, ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टीज को आपको लिखना है। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ, एक्सरसाइज 4D, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अब जल्दी से आप निकाल लो 4D, एक्सरसाइज 4D। में मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई है, फर्स्ट इज मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल है। इन प्रॉपर्टी को समझ भी लेना, ठीक है, समझ भी लेना, अच्छे से लर्न भी कर लेना, कॉपी में भी लिख लेना। फिर है मल्टीप्लाई, फर्स्ट है बहुत सिंपल है, 15 को मल्टीप्लाई 15 बाय 9, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से क्या आएगा 135। आप सारे कर लोगे या कोई पार्ट पूछना है तो पूछ लीजिए। माइनस माइनस का बता देती हूँ मैं, और जीरो से तो माइनस माइनस आप देख लीजिए, नाइन्थ वाला देख रहे हैं आप, -12 / -9, ठीक है, -12 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, तो पहले आप साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो हमेशा क्या आता है प्लस आता है मल्टीप्लाई के केस में, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास +108, ठीक है। पहले आप साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक स्टूडेंट सबको साइन याद है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है, ठीक है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तभी प्लस आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तभी माइनस आता है। ये रूल मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, ये लर्न होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कम्प्लीट कर लेंगे। फर्स्ट का कोई पार्ट पूछना है आपको? फिफ्थ
फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है? कोई एक बता देती हूँ मैं, फोर्थ पार्ट बता देती हूँ, फोर्थ या फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ दोनों एक जैसे। फोर्थ देख लीजिए आप, फोर्थ देख लें, इसका -18/13, ठीक है? -18/13, तो -18 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, इज इक्वल टू -18/13, ठीक है? करिए मल्टीप्लाई, अगर आपको 13 नहीं आ रहा तो आप रफ में इसको इस टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रफ में करना, ठीक है? 24 2 5 * 8 और 1, तो क्या आ जाएगा 4 3 और 2, माइनस के 234, और प्लस और माइनस मिलके माइनस बनता है, ये प्लस का है, 13 प्लस का और ये माइनस का, माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाते हैं, माइनस। तो पहले आप साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर? साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद में आप डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए फटाफट, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको अब प्रोडक्ट करने तीन तीन डिजिट के हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट -2 * 3 * -4, ठीक है? तो आप पहले दो डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले आप दो डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, यस स्टूडेंट्स, पहले आप दो डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, किस किस का, -2 और 3 का, -2 और 3 मिलके बन जाता है -6, क्या बन गया, -6, -6 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो दो डिजिट को लेके मल्टीप्लाई करेंगे, दो दो डिजिट को लेके मल्टीप्लाई करेंगे, पहले -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ गया, -6 को -4 से करेंगे, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, और 6 * 4 = 24, फिर इस टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही है, ग्रुप बनाकर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 भी बता देती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3, 3 का फर्स्ट देख लें आप, इसमें क्या पूछा है, यूज कन्वीनिएंट ग्रुपिंग एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, कन्वीनिएंट ग्रुपिंग करनी है आपको, जो भी कन्वीनियंट आपको लग रहा है, -27 * 13, ठीक है? तो इसका कन्वीनियंट ग्रुपिंग है, हम इन दोनों का ग्रुपिंग बना लेंगे, जो भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है वो दो का ग्रुप बना के तीसरे से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? इन दोनों का ग्रुप बना दिया मैंने, 18 * 30 का ग्रुप बना दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया -27 से, ठीक है? अब करके बताइए आप जल्दी से, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वो ग्रुपिंग कर देनी है, आपको फर्स्ट 2 डिजिट की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको कन्वीनियंट ग्रुपिंग लगे, जो इजीली आपसे मल्टीप्लाई होता है, उन दो डिजिट की आपको ग्रुपिंग कर देनी है और उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर देना है, पहले ग्रुपिंग वाले को मल्टीप्लाई करना। अब जल्दी से इसका आंसर बताओ फटाफट, चलिए इसको सॉल्व करिए, इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी, क्या आएगा 5 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, चलिए करिए, पहले ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को, मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी, कन्वीनियंट ग्रुपिंग करनी है, ठीक है? हर एक क्वेश्चन में दो दो की पहले ग्रुपिंग करनी है, लेफ्ट हैंड को उसके बाद पहले ग्रुपिंग वाले को मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई आया है उसको तीसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर? अब 5 40 आ गया, 18 को मल्टीप्लाई किया था 30 से, तो 540 आ गया, 5 पे 540 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -27 से, करो जल्दी, और मुझे बताओ आंसर क्या आया, 540 को मल्टीप्लाई करेंगे -27 से। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस मिलके क्या बनते हैं, माइनस बनता है, आंसर हमारा माइनस में आएगा, और डिजिट को मल्टीप्लाई आप खुद करके बताओ, डिजिट को आप मल्टीप्लाई करके खुद बताइए, 540 को मल्टीप्लाई
27 से। माइनस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड। नवनीत का गलत है, नवनीत आपने माइनस का साइन नहीं लगाया, प्लस और माइनस मिलके माइनस बनते हैं। नवनीत आपका गलत है। मनीष नाथावत का सही है, वेरी गुड नाथावत, नाथावत का सही है। अब नवनीत आपने अंडर स्कोर लगाया है, नवनीत माइनस साइन लगाओ। रितिका वेरी गुड, बिल्कुल सही है रितिका का, रितिका और मनीष नाथावत का बिल्कुल सही है। माइनस 14 क्या था, 14580, यस 14580 इज द राइट आंसर। यस स्टूडेंट्स, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 तक 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देना है और देखना है क्या दोनों के आंसर सेम है। बीच में देख लो इक्वल का साइन लग रहा है, वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 बीच में इक्वल का साइन लग रहा है तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व कर लेंगे हम, राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है तो लिख देंगे वेरीफाइड, अगर सेम नहीं आ रहा है तो लिख देंगे नॉट वेरीफाइड। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया, कुछ पूछना है फोर्थ में से कुछ पूछना है। और ये जो आपकी फिफ्थ में इंडेक्स है जो कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल, ये आप बुक में ही रहने देना, बुक में सॉल्व कर देना, ठीक है, बुक में ही सॉल्व कर देना। एक एक कॉलम में से लेना, एक रो में से लेकर के आप बुक में ही फिल कर देना, इसको कॉपी में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 है आपका ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर वो आपको बुक में ही करना है, 5 और 6 बुक में ही करना है। फोर्थ तक में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं लास्ट क्वेश्चन 7th भी बता देती हूँ। यस रुद्राक्ष राइट आंसर, चेतन वेरी गुड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया आपको, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व कर लेना, राइट हैंड साइड वाले को भी सॉल्व कर लेना, दोनों का देखना क्या दोनों के आंसर सेम है क्या, तो सेम है तो लिख देना वेरीफाइड, सेम नहीं है तो लिख देना नॉट वेरीफाइड। क्लियर, और 5 और 6 आपको बुक में ही करने, क्योंकि एक ट्रू फॉल्स है और एक कंप्लीट द टेबल है, इसको आपको कॉलम और रो, कॉलम और रो को मल्टीप्लाई करके फिल कर देनी है, ठीक है, तो 5 और 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंपलीफाई। इस पूरे क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करना है, किससे करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। फर्स्ट क्वेश्चन है -9 -9 × 6 = -+-9 × 4। ये भी बहुत सिंपल है, इन दोनों में बीच में प्लस का साइन है, प्लस में प्लस का साइन है, इधर और इधर में से एक डिजिट है जो कॉमन है, कॉमन डिजिट को हम बाहर ले लेंगे। इसमें कॉमन डिजिट क्या है, -9, जो दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, जो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, उस कॉमन डिजिट को हम बाहर निकाल लेंगे। -9 को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, 6 + 4, ठीक है स्टूडेंट्स, अंदर जो बचा है उसको अंदर ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर ब्रैकेट वाले को पहले प्लस करेंगे, -9 एज इट इज, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 6 और 4 क्या होता है, 10, 10 और 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -9 से, हमारे पास ये प्लस का ही माइनस का है, तो -9 इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें बुक में आप लिख लो, सिंपलीफाई करना है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप बुक में नोट डाउन कर ले इसको, ये सारे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से होंगे, दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट कॉमन आएगा, इसका पूछ लीजिए, कोई पार्ट पूछना है तो 7th का क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट बता दिया मैंने, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करना है ये आपको, तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है, कोई और पूछना है तो जल्दी पूछ लीजिए 2nd से लेकर के 7th तक। यस रितिका वेरी गुड, बिल्कुल सही किया रितिका ने, 6th बताना है, ठीक है। मानिश नाथावत कह रहा है 6th पार्ट बता दीजिए, देख लीजिए 6th भी, देख लीजिए 6th, देखो इसका 6th पार्ट है -36 × 72 - -36 × 28, इतना सिंपल था ये भी मानिश नाथावत, इतना सिंपल था 6th पार्ट। इसमें इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, -36
आ रहा है, माइनस 36 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है 72 इनटू 72 प्लस 28, अंदर जो बचा था मैंने लिख दिया, ठीक है, जो अंदर बचा था वो मैंने लिख दिया, कॉमन क्या रहा था 36, तो माइनस 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर दो, क्या आया 1500, ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो 100 आ गया, 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया, कितना सिंपल है, कोई डाउट? यस, रितिका बिल्कुल सही कर रही है, मेरे साथ साथ कर रही है रितिका, नाथावत तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो नाथावत। मनीष यादव माइनस साइन नहीं लगाया है, मनीष यादव आपने माइनस साइन नहीं लगाया, माइनस 36 है बेटा, ये माइनस 36 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन को क्या, मैंने क्या कहा है, पहले साइन को मल्टीप्लाई करना होता है, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस मिलके क्या बनता है माइनस, माइनस 3600 आएगा, आपने 3600 लिख रखा है केवल, इस टाइप से आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है 4D, आज करनी है एक्सरसाइज 4D कंप्लीट, उससे पहले प्रॉपर्टी लिखनी है सारी कॉपी में, लिखनी भी है, सोचनी भी है, समझनी भी है, प्रॉपर्टी जो मैंने समझाएंगे इसमें 6 प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है, पहले उसको लिखनी है, सोचना है, समझना है अच्छे से, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछोगे आप, और एक्सरसाइज 4D कंप्लीट कर लेनी है, इसमें 7 क्वेश्चन है, अगर नेक्स्ट क्लास में मैं डिवीजन बताऊंगी, डिवीजन की प्रॉपर्टी और फिर डिवीजन की एक्सरसाइज। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट, किसी को कोई कुछ और कुछ पूछना है? और किसी को कोई डाउट? कर लेंगे आप, यस नाथावत बिल्कुल राइट, अब किया है इतनी लेट नाथावत, वेरी गुड, अब किया है बहुत लेट, यस स्टूडेंट्स, तो आज आप कंप्लीट कर लें एक्सरसाइज 4D, ओके बाय बाय।